शांता, शांता जी, वो जरा घड़ी में कल सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दो। क्यों, किस लिए? वो कल तुम्हारी बहू की फैक्ट्री में तुम्हारा बेटा हड़ताल करने वाला है। हड़ताल? हाँ, और बंदोबस्त के लिए मेरी ड्यूटी लगाई है, तो मुझे तो जल्दी जाना ही पड़ेगा ना। सीता, कल सुबह जल्दी उठ सकती हो? क्यों? कल से हमारी फैक्ट्री में स्ट्राइक शुरू होने वाली है। सबसे पहले मुझे पहुंचना होगा, 5 मिनट जगा देना। हेलो, दिस इज 6141314। सुबह 4:30 बजे का अलार्म लगा दीजिए। थैंक यू। हेलो, एस, थैंक यू। सुनिए, सुनिए, कॉफी। 5 बज गए? नहीं, और 15 मिनट बाकी है। बस हो गया क्या? काम उठ गया? वो अकेला क्यों? दोनों पार्टियां जंग पे जाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। सीता, मैं जा रहा हूँ। सुनिए, एक बात कहो। कहो। मालिक और मजदूर के झगड़े में अक्सर देखा गया है कि लीडर ही कुचल जाता है, इसलिए कोई कदम उठाने से पहले ये सोच लेना कि घर में तुम्हारी बीवी भी है। तुम्हारे मजदूरों को तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं जितने उसको है। सुनिए, वहां कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हो गई तो सख्ती मत करना। देखो, ऐसे मामलों में दोबारा मुझे कभी सलाह नहीं देना। मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मुझे मालूम है क्या करना। ये नारे लगाने या हड़ताल करने की जगह नहीं। सर, असल में ये हड़ताल नहीं है, हम 1 घंटे के लिए अपनी आवाज मालिक के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर जैसे ही फैक्ट्री का वक्त हो जाएगा हम सब अपने अपने काम पर चले जाएंगे। और इस 1 घंटे के दौरान न कोई अपनी जगह से हिलेगा, न कोई हंगामा होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ओके, कैरी ऑन। मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, हमारी मांगे। इंस्पेक्टर। यस मैडम। ये सब क्या हो रहा है? इन लोगों को अंदर आने की इजाजत कैसे दी? मैडम, इन लोगों का कहना है कि I don't want any explanation। इन लोगों को 5 मिनट के अंदर इस कंपाउंड से बाहर निकाल दिया जाए। यस मैडम।
जिंदाबाद राम। जिंदाबाद। मिस्टर राम, आप और आपके साथी 5 मिनट के अंदर अंदर इस कंपाउंड को खाली करते हैं। यहाँ एक भी आदमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम चले जाएंगे। ये हमारा आपसी मामला था, इसलिए हम फैक्ट्री के अंदर खड़े होकर नारे लगा रहे थे ताकि दुनिया न सुने। आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम बाहर गली कूचों में जाकर नारे लगाएं, तो ठीक है, हम चले जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, इनसे कह दो फैक्ट्री के अंदर चिल्लाने से आवाजें फैक्ट्री के अंदर नहीं रह जाती है, इसलिए सड़कों पर चिल्लाए, गली कूचों में चिल्लाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को यहाँ से फौरन बाहर निकाल दिया जाए। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये लोग कोई दंगा कोई फसाद नहीं करेंगे। मैं किसी फसाद और हंगामे से नहीं डरती। ये कंपाउंड फौरन खाली कर दिया जाए, अंदर ना कोई मजदूर जाएगा और ना किसी की आवाज सुनाई देनी चाहिए। ओके सर। मजदूर यूनियन, मजदूर नहाने का पानी रख दो। नहीं, मैं बाद में नहा लूंगा। क्या हुआ बेटा, सुना इस फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ हो गई? हाँ माँ, अब उन लोगों का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज पुलिस बुलवाकर हम पर लाठी चार्ज करवाया गया, कल हमें जान से भी मार सकते हैं। अपना गुरूर, अपनी ताकत दिखाने के लिए आज हमारे 25 मजदूर गिरफ्तार करवा दिए गए। अगर कल तक वो मजदूर नहीं छूटे ना, तो मजबूरन हमें भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। हमें यानी कौन करेगा भूख हड़ताल? मैं करूंगा, और कौन करेगा? तू क्यों करेगा? फैक्ट्री में क्या तू अकेला काम करता है? मुझे को करना होगा माँ, अब जंग शुरू हो गई है। या तो अपना हक लेंगे या अपनी जान दे देंगे। कैसी अशुभ बातें कर रहा है तू? पहले अपनी माँ को मार डाल, फिर जो ची चाहे कर। नहीं माँ, ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा। ये मुर्दा परस्तों की बस्ती है, यहाँ जिंदों की आवाज कोई नहीं सुनता, मरने वालों की पूजा की जाती है। जीते जी तो मजदूरों को उनका हक नहीं दिला सका, अगर मरकर दिला सका तो कम से कम दुनिया याद तो रखेगी।